हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी स्टेप डाउन मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर, उसका प्रिंसिपल, ऑपरेशन और वेवफॉर्म। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, स्टेप अप के दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप, और स्टेप डाउन का ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो में अपन देखेंगे स्टेप डाउन मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो पहले अपन देखते हैं साइक्लो कन्वर्टर क्या है। साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली एक एसी टू एसी कन्वर्टर होता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट डीसी लिंक यूज नहीं करते कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान, जिससे ये डिवाइस एक हाईली एफिशिएंट डिवाइस की तरह वर्क करता है। और हम कह सकते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट करता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की एसी पावर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी पावर में, इसीलिए इसे एक फ्रीक्वेंसी चेंजर भी कहा जाता है। अब देखते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी लोअर होती है देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी के। मैथमेटिकली देखें तो अगर किसी एसी सिग्नल की आउटपुट फ्रीक्वेंसी स्मॉलर है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है। इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर का मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत हैं। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस का यूज करता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली इजी है बिल्ट अप के लिए और ऑपरेट करने के लिए। अब स्टेप डाउन मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर के ऑपरेशन को समझने के लिए यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों के बेसिकली दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मिड पॉइंट टाइप और ब्रिज टाइप। मिड पॉइंट टाइप यहाँ पे अपन देखेंगे और ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन स्टेप डाउन का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर होते हैं उनका जो सर्किट होता है उसमें हम लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट का यूज करते हैं, जिससे वो सर्किट आपका साइज में इंक्रीज हो जाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और सर्किट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जबकि मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर में हम लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट का यूज करते हैं, जिससे सर्किट की कॉस्ट भी कम होती है, सर्किट का साइज भी स्मॉल हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो ये देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम है स्टेप डाउन मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर का। ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी साइड में ट्रांसफॉर्मर के हम सिंगल फेज 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हमने एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है, जिससे जो सेकेंडरी साइड है उसमें दो वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होगी। अगर ये नोड ए है, ये बी है और ये के है, तो फर्स्ट हाफ में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो है वी ए के और दूसरा है वी बी के, जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन पोलैरिटी अपोजिट होगी। यहाँ हम चार SCR का यूज करते हैं, P1, P2, N1, N2, जिनके गेट टर्मिनल को हमने कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट किया है। ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पे शो नहीं किया गया है इस सर्किट डायग्राम में। उस कंट्रोल सर्किट के लिए बेसिकली हम माइक्रोप्रोसेसर DSP माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। कंट्रोल सर्किट रिस्पॉन्सिबल होता है SCR की ट्रिगरिंग के लिए, मतलब कंट्रोल सर्किट SCR को ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये अज्यूम किया है कि SCR का फायरिंग एंगल 0 डिग्री है। अगर SCR का फायरिंग एंगल 0 डिग्री है, मतलब SCR को हम 0 डिग्री पे ट्रिगर करेंगे, तो SCR एक डायोड की तरह वर्क करने लगते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कंडीशन में। यहाँ पे लोड के लिए हम यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिव लोड है यहाँ हमारा। अगर लोड रेजिस्टिव होता है तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म हमें सेम मिलती है।
तो ये है सर्किट डायग्राम स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का। अब अपन वेवफॉर्म देखते हैं। ये साइक्लो कन्वर्टर है जिसका इनपुट हमें मिलेगा फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एसी पावर, और आउटपुट हमें मिलता है वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी। ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। यहाँ हम दो केस कंसीडर करके चलेंगे। पहले केस में हमें आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ बाय टू, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की हाफ, और दूसरे केस में हम आउट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मिलती है 1/4 ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो पहले अपन देखते हैं कि हमें आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हाफ ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट साइकिल में एसी सिग्नल की हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट में हमें नेगेटिव रिक्वायर्ड है, फिर थर्ड कंप्लीट साइकिल में फिर पॉजिटिव चाहिए और फिर अगेन नेगेटिव। तो देखते हैं कि हमें ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे मिलेगी। तो ड्यूरिंग फर्स्ट फुल साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम 0 to 2π में हमें पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए लोड के अक्रॉस। तो पहले एपियर होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से π। जब 0 से π एपियर होती है पॉजिटिव साइकिल, तो नोड ए पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू नोड बी। तो इस केस में दो SCR हमारे फॉरवर्ड बायस होंगे, P1 और N2, लेकिन केवल हम एक ही SCR को एक बार में ट्रिगर करेंगे। तो पहले हम P1 को ट्रिगर करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए। तो करंट फ्लो होगा नोड ए से होता हुआ P1, नोड डी वाया लोड एंड नोड बी, इस लूप को फॉलो करेगा। अगर करंट इस लूप को फॉलो करेगा तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखेंगे हम यहाँ पे वेवफॉर्म में ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि फायरिंग एंगल SCR का 0 डिग्री है, तो वेवफॉर्म यहीं से स्टार्ट होगी। P1 हमारा ट्रिगर होगा, P1 ट्रिगर होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें लोड के अक्रॉस पॉजिटिव मिलेगा। अब देखते हैं पाए से 2π के बीच में जब सप्लाई वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल अपीयर होती, तब नोड बी पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस टाइम पे भी दो SCR फॉरवर्ड बायस होंगे, P2 और N1, लेकिन हम केवल एक ही SCR को टर्न ऑन करेंगे, ट्रिगर करेंगे, जो कि है P2 हमारा, क्योंकि हमको फिर से इसी डायरेक्शन में करेंट चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए है लोड के अक्रॉस। P2 को ट्रिगर करेंगे तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम नोड बी वाया P2, नोड डी लोड और नोड के में, इस डायरेक्शन में आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिलेगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। देखिए पाए से 2π के बीच में फिर से आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि हमने P2 को ट्रिगर किया है। अब जो सेकेंड कंप्लीट साइकिल है सप्लाई वोल्टेज की, उसमें क्या होगा 2π से 4π के बीच में फिर से एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगी फिर और नेगेटिव हाफ। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अपीयर हो रही है तो ए पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर से दो SCR फॉरवर्ड बायस होंगे P1 और N2, लेकिन इस टाइम हमें लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेगेटिव चाहिए है, इसीलिए हम N2 को ट्रिगर करेंगे। इस टाइम पे करेंट फ्लो होगा फ्रॉम नोड के वाया लोड नोड डी N2 एंड नोड बी, इस लूप को फॉलो करेगा। आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी होगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा। N2 ट्रिगर हुआ, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव मिला। 3π से 4π जब सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव हो जाएगा इस टाइम पे। फिर से दो SCR फॉरवर्ड बायस होंगे P2 और N1, लेकिन क्योंकि हमें वोल्टेज क्या चाहिए आउटपुट के अक्रॉस नेगेटिव चाहिए, इसीलिए हम N1 को ट्रिगर करेंगे। जब N1 को ट्रिगर करेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फ्रॉम नोड के लोड नोड डी N1 और नोड ए, इस लूप को फॉलो करेगा, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। N1 ट्रिगर होगा, आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। फिर जो थर्ड साइकिल आएगी सप्लाई वोल्टेज की, उसमें पॉजिटिव हाफ में हम P1 को और नेगेटिव हाफ में P2 को ट्रिगर करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट साइकिल में किया था।
और फोर्थ साइकिल में 6 पाई से 8 पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ में हम एन टू को और नेगेटिव हाफ में हम एन वन को ट्रिगर करेंगे। ये करने से हमें आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म मिल जाएगी। प्योर रेजिस्टिव लोड है इसीलिए आउटपुट करेंट की वेवफॉर्म जस्ट सिमिलर होगी आउटपुट वोल्टेज से। अब अपन देखते हैं कि हमें सेकेंड केस मतलब आउटपुट फ्रिक्वेंसी 1/4 कैसे मिलेगी। तो इसके लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे हम ये लेके चलेंगे कि हमें जो टू कंप्लीट साइकिल है सप्लाई वोल्टेज की मतलब 0 से 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल और 2 पाई से 4 पाई के बीच में जो कंप्लीट साइकिल है इनमें हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव चाहिए होगा। और जो दो कंप्लीट साइकिल है नेक्स्ट मतलब 4 पाई से लेकर 8 पाई यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव चाहिए। तो इसके लिए हम फिर वही प्रोसीजर का यूज करेंगे। जब पहली कंप्लीट साइकिल आएगी मतलब 0 से पाई पॉजिटिव हाफ आएगा तो हम P1 को ट्रिगर करेंगे, नेगेटिव हाफ आएगा तो हम P2 को ट्रिगर करेंगे, फिर पॉजिटिव हाफ आएगा हम P1 को ट्रिगर करेंगे, नेगेटिव हाफ आएगा P2 को। इस तरह से हमें पूरी कंप्लीट साइकिल में 0 से 4 पाई के बीच में हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। फिर जब 4 पाई से 8 पाई के बीच में हमें आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा मतलब हम N2 को पहले ट्रिगर करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ में N1, फिर पॉजिटिव हाफ आएगी तो N2 को ट्रिगर करेंगे और नेगेटिव हाफ आएगी तो N1 को। इस तरह से हमें ये वेवफॉर्म मिल जाएगी। अब हम ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी हाफ और 1/4 कैसे होंगे उसके लिए अगर हमारी ये सप्लाई वेवफॉर्म है तो इसकी टाइम पीरियड टी है और ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो इसका टाइम पीरियड कितना है 2t है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/ फ्रिक्वेंसी। तो अगर टाइम पीरियड किसी इनपुट वेवफॉर्म का t है और आउटपुट का 2t है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, हाफ ऑफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी मतलब f इनपुट इक्वल टू 1/2 f आउटपुट। अगर हमने ये अज्यूम किया था कि हमारी इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितने मिलेगी हमें 25 हर्ट्ज। दूसरे केस में सप्लाई फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड अभी भी हमारा टी है और आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे कितना है 4t। तो अगर टाइम पीरियड इनपुट वेवफॉर्म का टी है और आउटपुट का 4t है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, एफ इनपुट इक्वल टू 1/4 एफ आउटपुट। अगर हमारे केस में इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 12.5 हर्ट्ज। इसका मतलब है इस तरह से हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को वेरी करके कंट्रोल सर्किट के। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।